ठीक है भाई, अब हम पेज नंबर 75 के ऊपर एक और हमारी एग्जाम्पल है 5.2। अब हम उसका मुताला करने जा रहे हैं 5.2, और पेज है 75, पेज नंबर 75। ठीक है, मैं पहले आपको ये सुना देता हूँ पढ़ के। ये कहता है जनाब कि अ सर्टेन बॉडी इज़ एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक बॉडी है उस पर ये तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक जो है वो 20 न्यूटन की फोर्स है जो कि 30 डिग्री के एंगल पर लग रही है, और एक 30 न्यूटन की फोर्स है जो 60 डिग्री के एंगल पर लग रही है, और एक 40 न्यूटन की फोर्स है जो 90 डिग्री के एंगल पर लग रही है। उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करें। पहले मैं इस तस्वीर को, इस पूरे सवाल को तस्वीरी शक्ल देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को तीन फोर्सेस इसको धक्का मार रही हैं। ठीक है, एक फोर्स है F1, वो है 30 न्यूटन। बुक में जो लिखा है वो लिखा है 20 न्यूटन, 30 न्यूटन और 40 न्यूटन। तो एक पहली फोर्स है 20 न्यूटन, दूसरी फोर्स है 30 न्यूटन और तीसरी फोर्स है 60 न्यूटन, 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन ये फोर्स अमल कर रही हैं, और एंगल इनके हैं 30, 60 और 90। ये 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ये 60 डिग्री के एंगल पे, और ये 90 डिग्री के एंगल। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये इसको धक्का एक फोर्स लगा रही है 20 न्यूटन। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बना लें, ठीक है, ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि एक फोर्स है 20 न्यूटन जो 30 डिग्री पर अमल कर रही है, इसका मतलब ये है कि यूँ धक्का मार रही है, यूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से या तो यूँ धक्का मार के दिखाऊँ आपको, या फिर ये बताऊँ उस फोर्स को कि वो ये फोर्स है जो क्या चाहती है, वो इस ऑब्जेक्ट को 20 न्यूटन धक्का मार के इस 30 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती है। और इसका एंगल कितना है, फोर्स कितनी है? फोर्स है 20 न्यूटन। इसी तरह से एक दूसरी फोर्स है 30 न्यूटन की जो 60 डिग्री पर अमल कर रही है, यानी इस ऑब्जेक्ट को वो यहाँ ले जाने के बजाय वो 60 डिग्री के एंगल पर धक्का मार के ले जाना चाहती है, और वो है कितनी? 30 न्यूटन, इससे थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, 60 न्यूटन पे लेके जाना चाहती है। और एक फोर्स वो है जो 40 न्यूटन की, जो उसको यूं लेके जाना चाहती है 90 डिग्री के एंगल पर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बक्स है, इस पर तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक 20 न्यूटन की जो यहाँ ले जाना चाहती है, एक 30 न्यूटन की जो 60 डिग्री के एंगल पर ले जाना चाहती है, ये F2 है जो कि 60 डिग्री पर लेके जाना चाहती है, और एक जो है वो 40 न्यूटन की फोर्स है F3 की जो कि 90 डिग्री पर उसको लेके जाना चाहती है। अब सवाल ये है कि ये जाएगा कहाँ, यानी अगर मैं इसको यहाँ धक्का देता तो सिर्फ यहाँ जाता, यहाँ धक्का देता तो यहाँ जाता। अब तीन आदमी मिलकर इसको डिफरेंट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं। जब तीन आदमी मिलकर डिफरेंट डायरेक्शन में धक्का लगाते हैं तो फिर सवाल ये कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है, इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इन तीनों के मजमूए से, वो कहाँ लगेगी? हम ये नहीं कर सकते कि ये बोलेंगे ये 20, ये 30 और ये 40 तीनों को जमा कर लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कि इसमें डायरेक्शन का इशू है। अगर आप दो फोर्सेस को सिर्फ जमा करने का सोचें, एक फोर्स अगर मैं यहाँ से लगाऊं 20 न्यूटन की, और एक फोर्स मैं यहाँ से लगाऊं 20 न्यूटन की, तो क्या इस पर 40 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी? टोटल कभी भी नहीं, इस पर 40 न्यूटन की फोर्स नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर जब आप टोटल की बात करते हैं
तो वो सिंपल मैथमेटिक्स से उसको जमा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस सवाल में भी हम इन तीनों वेक्टर्स को वेक्टर के मेथड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर का मेथड क्या है? हेड एंड टेल रूल वेक्टर का मेथड है। हेड एंड टेल रूल का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर एक तस्वीर आपको बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। पहले ये वाली फोर्स है, इस वाली फोर्स को हम 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ बना रहे हैं 20 न्यूटन की 30 डिग्री के एंगल पर। ये हमने बना ली 20 न्यूटन की फोर्स 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद जो दूसरी फोर्स है, इस दूसरी फोर्स को पहली फोर्स में जमा करने का तरीका ये है कि ये वाली फोर्स को आपको उठाना है और इसकी टेल को इसके हेड पे रखना है, ठीक है। यानी यहाँ फिर मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जनरेट करता हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ जनरेट किया और अब ये वाला वेक्टर जो कि एफ टू है उसको मैं यहाँ रखूँगा इसके हेड और टेल को जोड़ते हुए। कितना एंगल बनाते हुए? 60 डिग्री का। और है वह कितना? 30, 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा और 60 डिग्री का एंगल है। ये मैंने जनाब ये बना दिया, ये 30 डिग्री है और इसका एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा वेक्टर। तो तीसरे वेक्टर को बनाने के लिए तीसरे वेक्टर को दूसरे वेक्टर की हेड पर उसके टेल को रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो तीसरा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 40 है और एंगल 90 डिग्री है, इस वेक्टर को मैं उठाऊंगा और इसकी जो टेल है वो इसके हेड पर रखूंगा, ऐसे करके ये आपके पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। सॉरी, ये 40 न्यूटन का और इसकी जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया F1, ठीक है, और ये आपके पास आ गया F2 और ये आपके पास आ गया F3। ये तीन फोर्सेस हो गई, ठीक है। ये मेथड होता है इसको जमा करने का। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे शो कर सकते हैं ग्राफिकली? रिजल्टेंट शो करने के लिए पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इसको अगर एक लाइन से मिला दिया जाए ऐसे एक वेक्टर से, तो ये जो वेक्टर होगा ये दरअसल इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कैसे? देखिए ज़रा, मैं अगर इसको यहाँ से ऐसे मिलाऊँ, ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये दरअसल इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। ये बात समझ रही है? यानी वो फोर्स पहले ये लगी, फिर फोर्स ये लगी, फिर फोर्स ये लगी, तो सवाल ये है कि टोटल फोर्स कितनी लगी। तो टोटल फोर्स ग्राफिकली ऐसे जाहिर हो सकती है कि पहले वेक्टर की टेल को आप आखिरी वेक्टर के हेड से अगर मिला दें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला वेक्टर 20, 30 और 40 है, 20, 30 और 40। ये जो F1 है ये 20 है, F1 जो है वो 20 है, F2 जो है वो 30 है और F3 जो है वो 40 है। अच्छा जनाब, अब आप देखिए कि हमारे पास रिजल्टेंट भी दिख रहा है और सारे वेक्टर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक बड़ी ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो असल में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं साइन कॉस टेन, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर चलती हैं, जबकि ये जो आपकी तस्वीर बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसको राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो फिर हम साइन कॉस और टेन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि ये जो R आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है, इस वेक्टर का एक ऊपर से एक लाइन खींचता हुआ नीचे तक लेकर आता हूँ और यहाँ से ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, F1 का
ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। F1 की भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसी तरीके से अगर आप F2 की देखें तो ये क्या है, बेस है F2 की, और ये क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर F2 का, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। देखिए, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रही, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रही, और एक राइट एंगल ट्राइंगल इसकी बनती अगर इसने 90 डिग्री का एंगल लिया हुआ होता तो। ठीक है, इस वेक्टर से राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो ये इसका कॉस कंपोनेंट है, एफ एक्स कहलाता है ये, और ये इसका वाई कंपोनेंट है, एफ वाई कहलाता है ये। ठीक है, यानी ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर F1 का, अगर मैं यहाँ लिखूँ, F1 का ये एक्स कंपोनेंट है और ये F1 का वाई कंपोनेंट है। इसी तरीके से ये वाली जो चीज़ है, ये F2 का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और ये F2 का वाई कंपोनेंट है, ठीक है, और ये F3 का वाई कंपोनेंट ही है, इसका एफ कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आप दो तनाजुर एक साथ देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इसकी एक बड़ी ट्राइंगल है, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाली, ये इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ इसको ऐसे जाहिर करूँ कि ये जो पूरी जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इस वाली परपेंडिकुलर को देखूँ, इस बड़ी ट्राइंगल में, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींचूँ एक और बोलूँ ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो आपको देखने में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो आर एक्स है वो दरअसल F1x और F2x के बिल्कुल बराबर है आर एक्स, क्योंकि ये 90 डिग्री पे चला गया। अगर ये भी किसी एंगल पर होता तो इसका भी F3 का जो एक्स कंपोनेंट होता वो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स के मजमूए के बराबर होता है। बिल्कुल ऐसा ही, अगर आप देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है पूरा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट, ये कौन सा वाई कंपोनेंट है, एफ वाई ये, ठीक है, और ये कौन सा है, F2 का वाई, और ये कौन सा है, F3 का वाई। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो दरअसल तमाम वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स का मजमूआ है। इसका यहाँ से हमने ये बात निकाल ली कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता है वो तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के मजमूए के बराबर होता है, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो तमाम वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स के मजमूए के बराबर होता है। ठीक है, हमारे केस में इस वक्त जो वेक्टर्स हैं वो दरअसल क्या हैं, वो दरअसल ए और बी और सी नहीं हैं, बल्कि हमारे पास वेक्टर है F1, F2 और F3। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो F1 का एक्स कंपोनेंट, F2 का एक्स कंपोनेंट और F3 का एक्स कंपोनेंट होगा। इसी तरह रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो F1 का वाई कंपोनेंट, F2 का वाई कंपोनेंट और F3 का वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो अगर हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, टोटल फोर्स जो कि इन तीनों का मजमूआ है, तो हमें पहले आर एक्स निकालना पड़ेगा और आर वाई निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको किसी ट्राइंगल का बेस पता हो और उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता हो तो पैथागोरस थ्योरम लगाकर आप उसका हाइपोटेन्यूस मालूम कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करने जा रहे हैं, ए का भी एक्स कंपोनेंट निकालेंगे F1 का, और वाई कंपोनेंट F2 का एक्स कंपोनेंट, F2 का वाई कंपोनेंट, F3 का एक्स कंपोनेंट और F3 का वाई कंपोनेंट, ये हमें सबसे पहले निकालने हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। आपको याद है एक्स कंपोनेंट कैसे निकलता है, अगर ये ट्राइंगल मान लूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है,
ठीक है, तो आपको पता है कि रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ये हमने पढ़ा। इसी तरीके से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। और इसी तरीके से परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक है, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज से मुझे साइन थीटा को, परपेंडिकुलर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बेस निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल यही काम मैं करूँगा जब एफ़ वन एक्स निकाल रहा हूँ। तो एफ़ वन एक्स दरअसल क्या है, इसका बेस है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। बेस मालूम करने के लिए हाइपोटेन्यूज को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एफ़ वन, तो एफ़ वन का एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए एफ़ वन कॉस थीटा। ठीक, इसी तरीके से एफ़ वन का वाई कंपोनेंट मालूम करने के लिए एफ़ वन का साइन थीटा, परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। तो चलिए अब हम निकालते हैं सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले एफ़ वन का एक्स कंपोनेंट, एफ़ वन मैंने ऐसे लिखा है, एक्स कंपोनेंट एफ़ वन की जगह मैं क्या लिखूँगा, हमारे पास एफ़ वन है 20 और कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, थीटा हमारा है 30। ठीक है, तो 20 ऐसे लिखा और कॉस 30 की जगह पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने लिखा 20, यहाँ हम निकालेंगे कॉस 30 की वैल्यू। कॉस 30 की वैल्यू निकालने के लिए हमने कॉस 30 की वैल्यू निकली 0.8660। ठीक है, 0.8660 इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 17.32। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 17.32, ये आ गया आपके पास एफ वन का एक्स। ठीक है, एफ वन का एक्स का मतलब ये आ गया। ठीक है, अब हम मालूम करेंगे एफ टू का एक्स, पहले एफ वन का वाई मालूम कर लेते हैं। ठीक है, एफ वन वाई बराबर है एफ वन की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। एफ वन की मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास, ये है 20, तो इसकी जगह मैंने लिखा 20, साइन ऐसे लिखा और थीटा की जगह हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, 20 मैंने ऐसे लिखा, साइन 30 की हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, 30 का साइन ये होता है 0.5, मैंने यहाँ लिखा 0.5। 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आ जाएगा 10। तो एफ वन का वाई कंपोनेंट आ गया 10। ठीक है, ये हमने एफ वन का एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया और एफ वन का वाई कंपोनेंट भी निकाल लिया। अब हम काम करेंगे एफ टू के एक्स कंपोनेंट पर और एफ टू के वाई कंपोनेंट पर। ठीक है, तो एफ टू का एक्स कंपोनेंट क्या है ये मालूम करने के लिए हम लिखते हैं एफ टू का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा एफ टू की मैग्नीट्यूड और उसका कॉस थीटा। तो एफ टू एक्स बराबर है, एफ टू की मैग्नीट्यूड कितनी है, 30, इसकी जगह मैंने लिखा 30, और कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो मैंने इसकी जगह लिखा 60 डिग्री, 30 ऐसे आ गया। कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है। ठीक है, 60 का कॉस 0.5, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली 0.5, 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आ जाएगा 15, तो ये आ गया एफ टू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से निकालना है एफ टू का वाई कंपोनेंट जो होगा एफ टू की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के मल्टीपल के बराबर। एफ टू कितना है हमारे पास, 30, और साइन
थीटा की जगह 60, साइन 60 की वैल्यू वो होगी जो कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो 0.8660, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन 60 की वैल्यू को। 60 का पहले निकाला साइन और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 30 से। जवाब आ गया 25.9 या तकरीबन 26। तो यहाँ से हमने लिखा 26, ये F2 का वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। यानी इसमें हमने F2 का ये वाला एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिया, ठीक, और उसके साथ साथ ये वाला वाई कंपोनेंट भी ये वाला निकाल लिया। अब हम चलेंगे, काम करेंगे किस पर, F3 पर। आप देख रहे हैं कि F3 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लिहाजा इसका कोई एक्स कंपोनेंट तो नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा, वाई कंपोनेंट। इसलिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि F3 का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो 0 होगा और F3 का वाई कंपोनेंट क्या होगा, वही जो कुछ पूरा का पूरा F3 है, यानी 40, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये दो वैल्यूज समझ ली। तो अब हमारे पास हर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और हर वेक्टर का वाई कंपोनेंट मौजूद है। अब इन कंपोनेंट्स को हम जब सारे एक्स कंपोनेंट को जमा करेंगे तो उसके नतीजे में क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और सारे वाई कंपोनेंट को जमा करेंगे तो नतीजे में क्या आएगा, वाई कंपोनेंट। देखिए कैसे हम इसको करते हैं जमा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ आर का एक्स कंपोनेंट। आर का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा F1 का एक्स यानी 17.32 प्लस F2 का एक्स, F2 का एक्स कितना है 15, और प्लस F3 का एक्स जो कि है 0। तो आर एक्स बराबर हो गया, मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 17 को 15 में, ये हो गया 32.32, ये आपके पास आ गया आर एक्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, आर वाई। आर वाई कैसे निकालेंगे, सबके वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। वाई कंपोनेंट F1 का, वाई कंपोनेंट F2 का और वाई कंपोनेंट F3 का। तो आर वाई बराबर होगा वाई कंपोनेंट एक्स, F1 का 10 है, F2 का वाई कंपोनेंट 26 है और F3 का वाई कंपोनेंट 40 है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हो गए 50 और ये हो गया 76। तो आर वाई क्या आ गया, 76, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा जनाब, अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम कर लिए, यानी हमें ये पता चल गया यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो कितना है और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है। तो एक्स कंपोनेंट कितना है 32.32 और वाई कंपोनेंट कितना है 76। अगर आपको किसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस मालूम करना हो, बेस दी गई हो और परपेंडिकुलर दिया गया हो, तो आप फार्मूला लगाते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर को मान ले जाइए तो आर निकल आएगा, स्क्वायर वहाँ जाकर रूट हो गया, आर के एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। मैं यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आर एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा 32.32 और आर वाई की जगह मैं क्या लिखूँगा 76, और दोनों के स्क्वायर हैं, ठीक है। अगले स्टेप में मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा। हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 32.32 का स्क्वायर करेंगे, 32.32 का स्क्वायर ये आ गया 1044.58, ठीक है, 1044.58।
प्लस 76 का स्क्वायर करना है, तो मैंने लिखा 76 और स्क्वायर 5776, 5776। अगले स्टेप में मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड कर लिया मैंने, अब 1044.58, ठीक है। तो इसका जवाब आ गया 6820.58। और इस पर मैं इसका निकालूंगा स्क्वायर रूट, मैंने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो निकला 82.58, 82.58, यानी इस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन फोर्स लग रही थी, 20, 20, 30 और 40 डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन उन तीनों फोर्सेस का जो टोटल सम निकला वो निकला 82.58, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, 82.58, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ था जिसके ऊपर सारी फोर्सेस लग रही थी, फर्ज कीजिए ये है वो ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो एक फोर्स उसको यहाँ ले जाना चाह रही थी, एक फोर्स यहाँ ले जाना चाह रही थी, एक फोर्स यहाँ ले जाना चाह रही थी, तो इन तीनों फोर्सेस के मजमूए में पता चला कि अब ये फोर्स जो तीनों मिलकर लग रही थी, अब इस पर टोटल 82.58 की फोर्स लग रही है, और वो जाना कहाँ चाह रही है, यहाँ जाना चाह रही है, ना वो यहाँ जा रही है, या वो ऑब्जेक्ट ना यहाँ जा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ। सवाल ये है कि ये कितना एंगल रखता है, किस डायरेक्शन में ये फोर्स उसको लेके जाएगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स RY/RX। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि अगर आप इसके टेन थीटा को देखें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है आपके पास RY और बेस आपके पास क्या है RX, तो टेन को वहाँ ले जाएंगे तो ये फंक्शन वहाँ जाके क्या बन जाता है, टेन इनवर्स। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बल्कि बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये एंगल निकाल रहे हैं अब हम, ठीक है। टेन इनवर्स मैंने ऐसे लिखा, और आर वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर वाई मेरा है 76, और आर एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, आर एक्स है मेरा 32.32, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू, तो अब हमें 76 टेन इनवर्स 76 को 32.32 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 76 डिवाइडेड बाय 32.32, ठीक है, ये बराबर आता है 2.3514, ठीक है, 2.3514। इसका टेन इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से फंक्शन टेन इनवर्स में शिफ्ट के साथ चलते हैं, जब आप शिफ्ट दबाते हैं तो शिफ्ट दबाने के फौरन बाद जो फंक्शन चलते हैं वो टेन इनवर्स के, या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में चलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसका टेन इनवर्स मालूम किया, ये निकला 66.9, 66.9 का मतलब मैं ले रहा हूँ 67 डिग्री। वाओ, तो पता ही चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको एक फोर्स 30 डिग्री पर ले जाना चाह रही थी, एक फोर्स 30 न्यूटन की 60 डिग्री पर ले जाना चाह रही थी, एक फोर्स 90 डिग्री पर जो 40 न्यूटन थी वो 90 डिग्री पर ले जाना चाह रही थी, तीन फोर्सेस इस एक ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही थी, लेकिन जब इन तीनों फोर्सेस के मजमूई असर को देखा तो पता चला टोटल जो फोर्स अप्लाई हो रही है अब वो 82.58 है, और वो फोर्स ना तो 30 पर लेके जाना चाहती है, ना 60 पर लेके जाना चाहती है, और ना ही 90 पर लेके जाना चाहती है, बल्कि वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अब 67 डिग्री पर ले जाना चाहती है। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला हमारा जो
एग्जाम्पल है वो हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल थी 5.2 पेज नंबर 75 पर, ठीक है। अगर आप आगे चलें इसी चैप्टर में तो आगे जाके जो है वो एक एग्जाम्पल और आ गई है 5.3, बहुत आसान एग्जाम्पल है। 5.4 और 5.3 ये भी हम निपटा लेते हैं, ठीक है। चलिए जनाब, अगली एग्जाम्पल हमारे पास है 5.3, ठीक है। कहते हैं फाइंड टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन व्हिच इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। बहुत आसान सा सवाल है, ये कह रहे हैं कि एक फोर्स है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल 5.3 पेज नंबर हमारे पास है 80, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक फोर्स है 100 न्यूटन की और उसका एंगल है 60 डिग्री, आपको उसके कंपोनेंट निकालने हैं। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी एफ का एक्स कंपोनेंट मालूम करना है और एफ का वाई कंपोनेंट मालूम करना है, इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? असल में जब आप इस फोर्स को ड्रा करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और फोर्स है 100 न्यूटन और कितने एंगल पर है 60 डिग्री, 60 डिग्री तकरीबन ये बनेगा, ठीक है। तो जब आप इसको कहते हैं इसके कंपोनेंट्स बनाएं, तो एक कंपोनेंट अगर ये एफ है तो ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाता है एफ एक्स और ये इसका वाई कंपोनेंट कहलाता है एफ वाई। अच्छा, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। दरअसल बात यह है कि आप ये इसको इस पूरे ट्राइंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल के अंदर, सही है। यानी ये जो आपके पास एक ट्राइंगल बन रही थी, इसको आपने क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। तो उस रेक्टेंगल के लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये दरअसल उस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। सादा सी बात ये है कि ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। आप जानते हैं कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन थीटा के, ये बेसिक हमारे पास ज्योमेट्रिक फंक्शन है। तो एफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा के। इसी तरीके से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बराबर होता है कॉस थीटा के। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इंटू कॉस थीटा। अब हम आसानी से इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एफ की जगह मैं क्या रखूंगा 100, ठीक है, और साइन 60 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा की जगह पे 60, 100 ऐसे लिखा, साइन 60 की जगह पर 0.5 मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, 60 का साइन, ओहो ये तो था 0.8660, ठीक है, 0.8660। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो जीरो हैं, पॉइंट जो है दो के बाद यहाँ चला जाएगा 86.60, ठीक है। ये आपके पास आ गया उसका वाई कंपोनेंट फोर्स का,
अच्छा, यहाँ पर x कंपोनेंट निकालने के लिए हमने लिखा f की जगह 100 और cos और 60, थीटा की जगह क्या लिखा 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। तो 100 को 0.5 से जवाब देंगे तो क्या आ जाएगा 50। तो उसका x कंपोनेंट आ गया 50 और उसका y कंपोनेंट आ गया 86.60, ठीक है। तो ये एक सवाल और हो गया, ठीक है जी। अगला न्यूमेरिकल है 5.4 और ये है पेज नंबर 80 पर। ये कहता है कि जनाब एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ आर 3n एंड 4n रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिए गए हैं 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। आपको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है और वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है। यानी अभी सवाल बिल्कुल उससे डिफरेंट हो गया। ये हमारा है 5.4, पेज नंबर 80, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है 5.4। इसमें कहा गया है कि दो फोर्सेस आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में दी गई हैं, एक्स और वाई। यानी एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3 न्यूटन, एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 3 न्यूटन और एफ फोर्स का वाई कंपोनेंट दिया हुआ है 4 न्यूटन। और आपसे कहा गया है फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करें, ठीक है, ठीक है। और हमको एफ वाई दे दिया गया है 4 न्यूटन, इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है 4 न्यूटन। ये दो कंपोनेंट हमें दे दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि इन दोनों का जो असल वेक्टर है वो मालूम करें। ये यानी एफ आपको मालूम करना है कितना है और उसके साथ साथ आपको उसका एंगल भी मालूम करना है, ठीक है। तो इसको आप बस सिंपल सा पैथागोरस थ्योरम समझें कि ये आपको बेस दी गई है ट्राइंगल की, ये आपको परपेंडिकुलर दिया गया है ट्राइंगल का, और आपको क्या मालूम करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखिए कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एफ को मैंने ऐसे लिया, स्क्वायर को मैं वहाँ ले गया, वहाँ जाकर ये क्या हो गया, एफ एक्स का स्क्वायर ऐसी रहा प्लस एफ वाई का स्क्वायर ऐसी रहा, ठीक है। एफ एक्स की जगह पे मैं क्या करूँगा, 3 और का स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह पे 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 9 और 16 कितने होते हैं 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर है ये दरअसल कितना 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे कहा गया था कि अब इसकी आप क्या मालूम कीजिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए भी इसको आप एक ट्राइंगल लीजिए, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमें बेस पता है और उसमें हमें परपेंडिकुलर पता है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस बराबर होता है टेन थीटा के, ठीक है। तो मैं थीटा को यहीं रहने दूं, इस टेन को वहां ले जाऊं, तो ये वहां जा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। थीटा बराबर है टेन इनवर्स, अब मैं वैल्यू रखूँ, एफ वाई की जगह क्या लिखूँगा 4 और एफ एक्स की जगह क्या लिखूँगा 3। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 को 3 से, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, 1.3333, ठीक है। फिर इसका हमें क्या निकालना होगा, टेन इनवर्स 1.3333, इसका टेन इनवर्स निकालते हैं। तो मैंने शिफ्ट दबाया और शिफ्ट दबा के टेन का बटन दबा दिया, तो ये निकला 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री। थीटा बराबर है 53.13 डिग्री।
तो देखिए, इस सवाल में हमें कंपोनेंट्स दिए गए थे, ठीक है, और कंपोनेंट्स देकर हमसे कहा गया था कि वेक्टर मालूम करें। अक्सर सवाल में हमें वेक्टर दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके कंपोनेंट्स मालूम करें, और अक्सर सवाल में हमें कंपोनेंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वेक्टर मालूम करें। वेक्टर मालूम करने का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम करें और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मालूम करें। तो मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम सिंपल उसके परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है टेन, उसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है,